सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे काल पे यहां आए हैं हमारी बात सुनने के लिए। मेरे साथ हमारी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी सरदार हरमीत सिंह जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष जम्मू शहरी सोही शर्मा जी, पार्थ शर्मा जी जो यूथ के कोऑर्डिनेटर हैं जम्मू अर्बन के, वो मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मोटिव है कि दो दिन पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे और 370 और 35 से को बालिश करने के बाद ये उनका पहला जम्मू कश्मीर का दौरा था और सभी जम्मू वासी को बहुत सारी अपेक्षाएं थी, एक्सपेक्टेशन थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले एक महीने से उनके आने का प्रचार यहाँ पर कर रही थी तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद जम्मू कश्मीर के लिए कोई पैकेज को नई बात यहाँ पर करके जाएंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि करोड़ों रुपया सरकार का खर्च करके वो प्रोग्राम किया गया लेकिन जम्मू कश्मीर को उसमें कुछ अनाउंसमेंट उन्होंने करके नहीं दी। जिस तरह जैसे कि कहा जा रहा है कि ये एक सरकारी फंक्शन था, प्राइम मिनिस्टर साहब हम सबके हैं, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर ये सरकारी फंक्शन था तो उस स्टेज पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे थे, आप सबने वहां देखा होगा। अगर ये सरकारी फंक्शन था तो फिर इसको पॉलिटिकल फंक्शन क्यों कहा गया? तो अगर ये पॉलिटिकल फंक्शन था तो हॉनरेबल एलजी साहब उस प्रोग्राम में शामिल थे। तो ये जवाब आज भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, क्या वो सरकारी फंक्शन था या भारतीय जनता पार्टी की रैली थी? और उस फंक्शन के अगर बारे में आपको मैं बता दूं कि उस प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजम, ये पहली बार हुआ है कि संडे को उनकी छुट्टी कैंसिल करके हर एक डिपार्टमेंट के मुलाजमों को सरकार गवर्नमेंट एम्प्लाई को इंस्ट्रक्शन जारी की गई कि आपकी हाजिरी वहाँ लगेगी और उनको वहाँ पर बसों के जरिए या और तरीकों के जरिए वहाँ पर लाया गया। और जिस तरीके से लाया गया आप लोगों ने मीडिया पे भी वो देखा होगा कि हमारी माएँ हमारी बहनें जो कि गवर्नमेंट एम्प्लाई थे चार चार किलोमीटर गाड़ियाँ दूर लगा के वो पैदल वहाँ पर गई। चलिए ठीक है, उनकी सरकार थी उन्होंने किया, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछना चाहते हैं कि वो इस चीज़ का जवाब हमें जरूर दें, जम्मू की जनता को जरूर दें कि क्या ये फंक्शन भारतीय जनता पार्टी की रैली थी? अगर रैली थी तो वहाँ एलजी साहब उस स्टेज पे क्या कर रहे थे? तो अगर ये सरकारी फंक्शन था जैसे कि कहा जा रहा, अगर ये सरकारी फंक्शन था तो उस रैली में उस प्रोग्राम में उस स्टेज पे भारतीय जनता पार्टी के झंडे क्यों लगे थे? रही बात उनके इस इवेंट की जो उन्होंने किया, पिछले एक महीने से भारतीय जनता पार्टी के लीडर जम्मू में प्रचार कर रहे थे कि पल्ली में प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी सौगात वो देने जा रहे हैं, और हर तबका चाहे वो खासतौर पर नौजवान था, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था, चाहे वो NRHM के एम्प्लॉई थे, खासतौर डेली वेजर थे, BSF CISF के एस्पिरेंट थे, हमारे POK के रिफ्यूजी थे या दूसरे हमारे रिफ्यूजी भाई थे, हमारे पहाड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, कश्मीरी पंडित थे, ट्रांसपोर्ट तबका था, उनको उम्मीद थी कि शायद हमें कोई नया पैकेज यहाँ पर मिलने को देंगे जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त जो बदहाली हुई है उसके लिए। लेकिन सब लोगों को आज यहाँ पर निराश किया गया और ख़ासतौर पर मैं समझता हूँ कि नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा वहाँ पर किया गया। लोगों को आपने सबज बाग दिखाए, सबज बाग दिखाना भारतीय जनता पार्टी का काम बन चुका है, सबज बाग दिखाए कि हम आपके लिए ये करेंगे, और सबसे बड़ी उम्मीद थी लोगों की शायद कोई एम्प्लॉयमेंट का पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर अनाउंस करेंगे। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि करोड़ों रुपया सरकार का वहाँ पर इन्होंने खर्च किया लेकिन जम्मू के हिस्से में कुछ नहीं आया, जम्मू कश्मीर के लिए कोई भी अनाउंस वो करके नहीं गए। और रही बात जो वो पिछले चार साल से 5 अगस्त 2019 को उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा है, जो पार्लियामेंट में कहा गया था, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 की वजह से बाहर की इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं आ रही, बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं आ रहे, बाहर के इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं आ रहे। उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासतौर जम्मू के नौजवान को बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जम्मू के नौजवान के वो सपने भी बिल्कुल चूर चूर कर दिए, क्योंकि सोचते थे कि शायद कोई इंडस्ट्री पैकेज हमें मिलेगा, शायद कोई अनएम्प्लॉयमेंट का पैकेज हमें कोई दे के जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार दोबारा जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया।
और दूसरी बात वहाँ पर जो की गई कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन की है जो कि 850 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। तो सॉरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ आप सब लोगों के सामने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, लेकिन सोशल मीडिया के हमने जब शाम को देखा तो एक पोस्ट वायरल हो रही है, फोटो वायरल हो रही है कि 24 जून 2013 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की चेयरपर्सन और उस वक्त के जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जो थे उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी मौजूदगी में 24 जून 2013 को इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। आज मैं पूछना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, आज हम डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर वो जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या ये पोस्ट अगर झूठी है तो जिसने ये पोस्ट चलाई है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर ये सच है तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जम्मू के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि आप जम्मू के लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं, आप जम्मू में झूठ की दुकान क्यों चला रहे हैं। अगर एक प्रोजेक्ट आपने 7 साल पहले यहाँ पर उसकी फाउंडेशन स्टोन रखा है तो 8 साल बाद दोबारा आप वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं, यह जम्मू के लोगों के साथ झूठ है, ये आप सब लोग इस पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग इस पर बात कर सकते हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि आप इसका जरूर स्क्रीन शॉट इस पर लें या इस पर बात करें, आज ये एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताए कि ये जो पोस्ट है ये सच्ची है या झूठी है, अगर ये पोस्ट सच्ची है या झूठी है इसके ऊपर बात करके बताएं। अगर ये पहले ही इनॉग्रेशन सॉरी इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तो भाई ये जम्मू के लोगों के साथ आप धोखे क्यों कर रहे हो, आप क्यों हमें झूठ की दुकानदारी पे करना चाहते हो। नौजवानों को उम्मीद थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, और खास तौर से मैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नमेंट मशीनरी का वहां दुरुपयोग किया है तो आज भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर जवाब जरूर दे। आपको याद है कि परसों जो प्राइम मिनिस्टर साहब यहां पर प्रोग्राम करके वापस चले गए तो भारतीय जनता पार्टी की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए जो हिस्टोरिकल टूर था टाइम प्राइम मिनिस्टर का, जैसे कि हमने मीडिया पे सुना है, मैं उनसे आज पूछना चाहता हूं कि इस झूठ के बारे में आप कब बात करेंगे, आप हमें बताइए कि ये प्रोजेक्ट आपने दोबारा से रखवाया है या पहले था, अगर पहले था तो अब रखवाया तो इसके ऊपर आपके आप इसके ऊपर सफाई दें, और खासतौर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर आज वो सफाई उनको देनी चाहिए। आज जम्मू में और बहुत सारे मसले हैं, जब से आपने देखा गर्मी का सीजन जो शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में जो बिजली है वो रातों रात कहीं गायब हो गई, जम्मू शहर में इतने कट लग रहे हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, और उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि एक स्मार्ट मीटर जम्मू में दोबारा लाए जा रहे हैं, जैसे कि गरीब आदमी कोरोना काल के बाद उनके लिए खाना बनाना मुश्किल हो चुका है, खाना मुश्किल हो चुका है, स्मार्ट मीटर आप लगाना चाहते हो, मुझे बताइए हमारी बिजली कहाँ है। इसका जवाब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा कि आज क्या बात है कि अभी तो गर्मी आनी है, आज आपने देखा होगा कि पूरे शहर में 8-8, 10-10 घंटे के कट लग चुके हैं, बिजली ढूंढने के लिए मुझे लगता है लोग लगे हैं सड़कों पर कि हमारी बिजली क्यों नहीं आ रही। एक तरफ से जी हमें आत्मनिर्भर की बात करते हैं और हमारी बिजली कहाँ गई है, जम्मू कश्मीर सरप्लस बिजली बनाने वाला सूबा है आप सब लोग जानते हो, हमारी बिजली कहाँ गई है इसका जवाब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ये जो विजिट थी, मैं समझता हूँ कि जम्मू के नौजवान के लिए ये सफेद हाथी साबित हुई है, जो जम्मू के नौजवान के साथ वादे किए गए वो आज हमें कहीं दिखने को नहीं मिल रहे हैं। आज हमें बताइए, आज हम भी भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से पूछना चाहते हैं कि आपने गली गली से नौजवान को वहां लेकर गए, आपने एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा दुरुपयोग किया, आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हाजिरी वहां पर लगाई, शायद इतिहास में पहली बार हुआ है, शायद ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एतवार के दिन संडे के दिन सरकारी मुलाजमों की छुट्टी कैंसिल करके और उनको ये कहा गया कि आपकी ये जो हाजिरी है वो पल्ली में लगेगी, और हर एक डिपार्टमेंट चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, जित एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को वहां लाया गया ताकि वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर वहां दिन नजर आ सके कि भारतीय जनता पार्टी इसका लाहा ले कि हमने जम्मू कश्मीर इतनी रैली की है। भाई सरकारी फंक्शन आपने किया, करोड़ों रुपया जो हमने पेपरों में पढ़ा है इन्होंने उस इवेंट के लिए जाया किया, तो मैं समझता हूं अगर वही पैसे आप जम्मू के गरीब नौजवान की या अनएम्प्लॉयमेंट नौजवान की मदद के लिए करते तो शायद हमें कुछ ना कुछ मिल जाता। सो मैं आज आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूं कि दो चीज़ों का जवाब हमें वो जरूर दें, जम्मू की जनता उनसे जवाब मांगती है, उनका जवाब वो जरूर दें, क्या ये पोस्ट जो फेसबुक पर वायरल है इसमें सच क्या है, अगर 2013 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है तो यहाँ ये झूठी है या वो झूठी है, इन दोनों के ऊपर वो जरूर अपनी वो बात करें। और दूसरा बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये फंक्शन सरकारी था तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के झंडे क्या कर रहे थे, तो अगर ये फंक्शन भारतीय जनता पार्टी का अपना था तो आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग क्यों किया, आपने सरकार के पैसे का दुरुपयोग क्यों किया, इसका जो जवाब है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को जम्मू के लोगों को देना पड़ेगा।